ASSALAM. Hello and welcome guys. कैसे हो आप सब? और आप देख रहे हो TechAzfar. तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सॉफ्ट ब्राउन टोन कैसे लाई जाती है अपनी पिक्चर में. वो भी सिंपली एक ऐप की मदद से, जो है लाइट रूम. जैसे कि आपको हर बार पता है, क्योंकि मैं लाइट रूम के ट्यूटोरियल और पिक्सार के ट्यूटोरियल, जैसे एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग के ट्यूटोरियल में लाता रहता हूँ. मेरे पास एक कमेंट आया था एक भाई का, कैंपर 92 का नाम था. मुझे अभी तक नाम याद है. उन्होंने कमेंट किया था कि भाई आप फुल वीडियो लाओ, जैसे इसकी कॉलरों जो मैंने ऐप बताया था. मैंने कहा था कि मैं फुल वीडियो उसकी इंशाल्लाह जल्दी लाऊंगा, कि कैसे प्रॉपर कलर एडिटिंग, कैसे फुल एडिटिंग करता हूँ. तो उनका कमेंट आया था इंशाल्लाह मैं कल या परसों वाली वीडियो भी ले आऊँगा. लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ सॉफ्ट ब्राउन थीम कैसे लाई जाती है. जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि ब्राउन थीम कैसे लाई जाती है ब्राउन टोन, जैसे सिर्फ सिर्फ लाइट रूम और एंड्रॉइड वर्जन में. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मूडी ब्राउन, और मूडी ब्राउन के बाद आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सॉफ्ट ब्राउन टोन कैसे लाई जाती है. और जो इन सब में मुझे अच्छी टोन लगी वो सॉफ्ट ब्राउन टोन लगी, क्योंकि मुझे वैसे भी जो लाइट कलर जो एस्थेटिक कलर्स पसंद है. तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सॉफ्ट ब्राउन टोन कैसे लाई जाती है, वो भी सिर्फ सिर्फ एक ऐप की मदद से, जो है लाइट रूम एंड्रॉइड. सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं. आ चुका है अपने मोबाइल की मेन स्क्रीन पर. सबसे पहले आपने गैलरी में जाके शेयर पर क्लिक करके ऐड टू लाइटरूम कर लेना. उसके बाद सिंपली आपने लाइटरूम खोल लेना. मेरे पास ये पहले से फोटो ऐड हुई भी है, तो मैं यहाँ पर चला जाता हूँ. और सबसे पहले आपने इसके में एक मिनट का ऑटो रोटेट खोल लेता हूँ, ताकि आपको प्रॉपरली फुल वीडियो में नज़र आए. उसके बाद मैंने एक ये वाली फोटो सेलेक्ट कर ली. उसके बाद सिंपली सबसे पहले आपने चले जाना इसकी लाइट में. लाइट में जाने के बाद इसका हल्का सा मैं एक्सपोजर कम कर देता हूँ, और इसके कंट्रास्ट को भी मैं हल्का सा कम कर देता हूँ. उसके बाद सिंपली मैं इसकी हाईलाइट्स को भी हल्का सा कम कर देता हूँ, और इसके शेडोज़ को मैं बढ़ा दूँगा. उसके बाद इसके वाइट्स को कम करके मैं ब्लैक्स को फुल बढ़ा दूँगा. उसके बाद मैं यहाँ पर कर्व में जाऊँगा, और हल्का सा देखिए ये थोड़ा सा हाईलाइट्स को मैं इसकी कम करूँगा, और शेडोज़ को भी हल्का सा कम करूँगा. उसके बाद सिंपली यहाँ पर उसके बाद आपने चले जाना कलर वर्ड सेक्शन में, और सिंपली इसमें इसका थोड़ा सा मतलब जैसे 6- पे ले देता हूँ उसका टेम्परेचर, और टिंट को मैं कर देता हूँ प्लस तकरीबन 10. उसके बाद मैं इसकी वाइब्रेंस को हल्का सा कम कर देता हूँ, और उसकी सेचुरेशन को भी मैं हल्का सा कम कर देता हूँ. देखो फोटो में कितना अच्छा लुक आ चुका है वाइब्रेंस और सेचुरेशन कम करने के बाद. उसके बाद आपने कलर मिक्स वाले सेक्शन में चले जाना है. उसकी रेड की ह्यू को मैं कर देता हूँ कम. रेड की ह्यू को कम करने के बाद इसकी ल्यूमिनस को मैं हल्का सा बढ़ा देता हूँ, और ये जो स्किन का कलर है इसकी मैं ह्यू को और ल्यूमिनस को दोनों को बढ़ा दूंगा. ल्यूमिनस को बढ़ाऊंगा तो देखिए स्किन में थोड़ा ब्राइट जो लुक आ जाता है. उसके बाद मैं ह्यू भी हल्की सी इसकी बढ़ाऊंगा, ताकि येलो से थोड़ी टोन आए. उसके बाद मैं हल्की सी इसकी सेचुरेशन भी हल्की सी जैसे कम कर देता हूँ, ताकि एक ब्राउन वाला लुक आए. उसके बाद मैं येलो की सेचुरेशन में जाऊँगा. देखिए जो येलो और ग्रीन कलर है सबसे जो है इंपॉर्टेंट कलर्स हैं, इसलिए उनके हिसाब की मतलब सॉफ्ट ब्राउन जो लुक आएगी वो इसी से आएगी. उसके बाद सिंपली मैं 100 बिल्कुल इसकी ह्यू को कम कर देता हूँ येलो की, उसकी सेचुरेशन को मैं तकरीबन इतना कम कर देता हूँ. उसके बाद मैं ग्रीन वाले कलर में जाऊँगा, उसकी ह्यू को भी मैं फुल कम कर देता हूँ, और उसकी सेचुरेशन को भी मैं बहुत ज़्यादा कम कर देता हूँ. और ल्यूमिनस को, येलो की भी ल्यूमिनस को मैं बढ़ा देता हूँ, और ग्रीन की ल्यूमिनस को भी बढ़ा देता हूँ. उसके बाद मैं इस जो ये वाला कलर है इस वाले कलर में जाता हूँ, और उसकी ब्लू वाले की ह्यू को मैं हल्का सा कम कर दूंगा, ल्यूमिनस को बढ़ा दूंगा. उसके बाद जो ये वाला कलर है आपके स्काई का, मैं इसकी थोड़ी देखिए अपने हिसाब से ह्यू कर लेता हूँ. देखिए जब मैं आगे करूँ तो स्काई बहुत ज़्यादा एक मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि सॉफ्ट ब्राउन अगर कोई और लुक होती है साइबर पंक लुक तो उसमें जो है ज़्यादा अच्छा लगता है. लेकिन मैं साइबर पंक वाली लुक भी इंशाल्लाह जल्दी लाऊंगा, लेकिन अभी मैं इसकी ह्यू कम कर देता हूँ, ताकि इसमें एक थोड़ी लाइट वाली टोन आए. उसके बाद सिंपली मैं इसकी ल्यूमिनेंस हल्की सी देखें कम कर लेता हूँ, इसकी सेचुरेशन को मैं हल्का सा बढ़ा लेता हूँ, ताकि एक क्लाउड्स जो है वो डायरेक्टली नजर आए. उसके बाद इन दोनों की मैं ह्यू को कर दूंगा कम पर्पल वाले कलर की. देखें तो फोटो पहले कुछ इस टाइप की थी, और अब फोटो कुछ इस टाइप की बन चुकी है, रिजल्ट आपके सामने ही है. उसके बाद सिंपली मैं इस वाले सेक्शन में जाऊँगा, और इसकी क्लैरिटी को मैं हल्का सा बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, तकरीबन 10 कर देता हूँ. और इसके विग्नेट को मैं कर दूंगा कम. विग्नेट को कम करने के बाद मैं इसके जो है मिड पॉइंट को भी कम करूंगा, और फेदर को बढ़ा दूंगा. उसके बाद ग्रेन अमाउंट हल्का सा मैं 3 तकरीबन ग्रेन अमाउंट कर देता हूँ. उसके बाद सिंपली मैं आगे जाऊँगा डिटेल वाले सेक्शन में, उसकी शार्पनिंग को मैं हल्का सा बिल्कुल बढ़ा देता हूँ, उसकी नॉइज़ रिडक्शन को भी हल्का सा बढ़ा लेता हूँ, उसकी कलर नॉइज़ रिडक्शन को भी मैं हल्का सा बढ़ा लेता हूँ. उसके बाद देखिए फोटो का लुक आपके सामने ही है. फोटो पहले कुछ इस टाइप की थी, और अब फोटो कुछ इस टाइप का बन चुकी है. और अगर इसे आपको क्रॉप करना है तो सिंपली आप क्रॉप वाले सेक्शन में जाएँ. यहाँ पर जाने के बाद इंस्टाग्राम का 4:5 रेशियो जो ये वाला होता है, उसके बाद अगर आपकी जैसे फोटो थोड़ी टेढ़ी वगैरह आई है तो आप उसको सिंपली यहाँ से सीधा भी कर सकते हैं. लेकिन मेरी फोटो पहले से सीधी थी, तो इसलिए मैं क्रॉप वाले सेक्शन में जाने के बाद 4.5 करूंगा, और तकरीबन मैं इसको जितना मुझे सेक्शन हिस्सा लेना है उतना मैं ले लेता हूं. उसके बाद सिंपली मैं यहां से डन कर दूंगा. लेकिन फोटो पहले कुछ इस टाइप की थी, और अब फोटो कुछ इस टाइप की हो चुकी है. उसके बाद आप सिंपली सेटिंग को कॉपी करके दूसरी पिक्चर पे भी अप्लाई कर सकते हैं. और देखें ये वाली लुक मैं आपकी बाकी पिक्चर पे भी करके दिखा देता हूं. सिंपली मैं करूंगा कॉपी सेटिंग, जो ये वाली पिक्चर पे करना है तो सिंपली मैं यहां पर क्लिक करके पेस्ट सेटिंग पे क्लिक कर दूंगा. देखें फोटो पहले कुछ इस टाइप की थी, और अब फोटो कुछ इस टाइप की हो चुकी है. देखें फोर आफ्टर मैं आपको दिखा देता हूं. उसके बाद जैसे अब मैंने इस वाली पिक्चर पे करना है, तो यहां पर भी मैं पेस्ट सेटिंग करके दिखा देता हूं. तो फोटो में देखें कितना एक अच्छा लुक आ चुका है. उसके बाद देखिए बस ये मैं तीन फोटोज ही मैंने आपको दिखाई है, इसलिए क्योंकि आपकी जो भी पिक्चर होगी हर पिक्चर पे सूट करेगी. लेकिन आप कलर के ध्यान से देख लेना, क्योंकि मैंने और भी वीडियोस बनाए जैसे मूडी ब्लैक. अगर आपकी जैसे आपने ब्लैक थीम देनी है तो मूडी ब्लैक थीम वगैरह कोई भी आप दे सकते हो. उसमें मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई, आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को चेक कर सकते हो. और जैसे अगर आपको ये वाली फोटो सेव करनी है, सिंपली आप शेयर वाले बटन पर क्लिक
क्लिक करें और सेव टू डिवाइस पर क्लिक करें और ये फोटो बिल्कुल फुल रेजोल्यूशन में सॉफ्ट ब्राउन कलर में बिल्कुल आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी और एक फोटो बहुत ही अच्छा लुक ले देगी और इंस्टाग्राम के लिए बिल्कुल ही अपलोड होने के लिए अब रेडी है। फिर मैं होप करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक मस्त कर देना, शेयर भी कर देना और कमेंट में आप मुझे सजेशन दे सकते हो कि मैं किस टाइप की वीडियोस और लाऊं। और जैसे आपका कोई भी मेरे कंटेंट में आप इंप्रूवमेंट चाहते हो तो वो भी मुझे आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जो है रिप्लाई भी आपको एज अर्ली एज पॉसिबल दे दूंगा और इंशाल्लाह मैं उसको जो इंप्रूव भी करूंगा अपने कंटेंट को। यार अगर आपको मेरी ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी या थंबनेल्स वगैरह कोई भी पसंद आती है तो यार कमेंट में जरूर लिख दिया करो कि आपको मेरी वीडियोस वगैरह कैसे लगती है। यार बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है क्योंकि अगर जब बंदा आपके कमेंट पढ़ता है मुझे एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है और मैं दिल चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के लाऊं कि आप लोग इतना कीप हो, इतना सपोर्ट करते हो, इतना लव करते हो। तो यार जैसे भाई को दुआ में याद रखना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक करना और यार याद आया मुझे कि इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है इसलिए कि आप वहाँ पर मुझे मैसेज करो, ज़्यादातर मैं वहाँ पर ऑनलाइन रहता हूँ। जैसे ही आप मैसेज करोगे मैं उसका रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल दे दूंगा। उसकी आईडी यहीं कहीं आ रही होगी, आप सिंपली वहाँ पर जाकर TechAzfar_official मेरा अकाउंट है, आप सिंपली वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल दे दूंगा। तो भाई को दुआ में याद रखना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लेना ताकि आपके पास मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहे। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।